बिहार में शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। संभल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग के दौरान गोली लगने से बदमाश को पकड़ लिया गया है। वहीं बदमाश की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया है। संभल के सदर इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जहां पुलिस ने बाइक सवारों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं उसका एक साथी फरार हो गया। दोनों ओर से फायरिंग में पुलिस का भी एक जवान गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बदमाश का एक अन्य फरार साथी की पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश सलमान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश से एक बाइक और एक असलाह सहित कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सलमान को आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। थाना संभल कोतवाली के अंतर्गत अभी परसों एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। उसका जो मेन अपराधी था, जो मेन अक्यूज था सलमान, उसके ऊपर मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसको आज यहाँ पर जब सूचना मिली तो उसको घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस यहाँ से उतर के भागने लगा और पुलिस की टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई। तो उसके जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसको अस्पताल भेजा गया है। उसका एक साथी है जिसका नाम पुतला है, वो शायद इसका भाई है, वो अभी फरार है। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में ये बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की जो वारदात इनके द्वारा संभल कोतवाली में की गई थी, ये दिखाता है ये दुर्दांत अपराधी थे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ संभल पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक असला और साथ में 4 जिंदा कारतूस इसके साथ में बरामद हुए हैं, एक खोखा बरामद हुआ है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।